हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की रीट पड़ी थी उसका कल सुनवाई थी और आज उसका आर्डर आ चुका है। जो वीडियो केस नंबर रीट नंबर है 32283237 वाला, उसका कल सुनवाई थी और आज आर्डर आ चुका है। आप जो जजमेंट आर्डर देखकर इतने क्रोधित होंगे कि आप ही बताएंगे, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से आप लोग सबसे पहले किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे जजमेंट आर्डर, देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट .in पे आप लॉग इन करेंगे। जैसे ही यहाँ पे, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जजमेंट आर्डर है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। आप सबसे ऊपर जजमेंट आर्डर है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, आप जो है यदि आपके पास केस नंबर है तो केस नंबर से आप आर्डर चेक कर सकते हैं, जज नेम से चेक कर सकते हैं, टाइटल के नेम से चेक, इस प्रकार से। तो हमारे पास केस नंबर है तो केस नंबर से हम लोग चेक करते हैं। केस नंबर पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आ जाएगा। केस नंबर पे सर्च करने पे तो सबसे पहले मेन जो बेंच है इलाहाबाद है। इसके बाद जो केस टाइप होगा दोस्तों, इस प्रकार के जो केस होते हैं ये रिट ए में आते हैं, तो रिट ए इसमें क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ईयर, किस ईयर में यह केस फाइल की गई या किस रिट फाइल की गई, 2017 में है। फिर नंबर दोस्तों, वीडियो का जो नंबर मैंने बताया था 32237, इस पे आप सबमिट करेंगे तो देखिए आर्डर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्डर आ चुका है स्क्रीन पे। देखिए जो डिसीजन डेट है वह 1/2/2018 का है और यह आर्डर देखिए यहाँ पे फाइल आ गया है। आप यहाँ पे ओपन करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए ओपन करेंगे तो कैप्चा पूछेगा, आप यहाँ पे कैप्चा इंटर कर लेंगे। इसके बाद कैप्चा इंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आर्डर आ चुका है। अब देखिए आर्डर क्या आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सरकारी वकील थे कैलाश सिंह कुशवाहा, ये इलनेस के कारण नहीं आ पाया, यानी कि छुट्टी ले लिया, यानी कि बीमार हो गया। अब दोस्तों ये बताइए कि जिस दिन कैंडिडेट का पक्ष मजबूत होता है या जिस दिन भरोसा रहता है कि उस दिन कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर आएगा, उस दिन सरकारी वकील या तो छुट्टी ले लेंगे या तो बीमारी का बहाना बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी UPSI वाला जो केस हुआ था, जो कंपनी को ना देने की बात कही गई थी और जो पेपर ऑफलाइन मोड कराने की बात कही गई थी, उसमें भी सरकारी वकील ने एक दिन का समय मांगा, उसके बाद एक दिन का और समय मांगा, फिर उसने अपना दिमाग लगाकर आखिर में उसको एग्जाम को कनेक्ट करा दिया और जो है कैंडिडेट को उसमें है बताया गया कि आप लोग गलत इसमें रिट किए हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये भी इसमें भी देखिए कि आज जिस दिन कैंडिडेट का पक्ष मजबूत था उस दिन अभी जो सरकारी वकील है वो छुट्टी का बहाना ले लिए कि हम बीमार हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है कि जिस दिन कैंडिडेट का कुछ निर्णय होने वाला है उस दिन कोई ना कोई बहाना आ जाता है। आप देख रहे हैं कि UPSSC का भी जो पिछला वीडियो, जो पिछली वैकेंसी है वीडियो का या ऑफिस असिस्टेंट वाला, सॉरी ये जो जूनियर असिस्टेंट वाला है या असिस्टेंट सहायक वाला जो है, असिस्टेंट कोषागार वाला है, ये सारा जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है उस पर भी UPSSC ने बोल दिया है कि इस पे जो है अभी जांच होगी, वैलेंस की जांच होगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा और नई वैकेंसी निकालने की बात बोल रहा है। तो अभी पुरानी वैकेंसी को इन्होंने कुछ उस पर निर्णय नहीं लिया, नई वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग जरूर इस पर क्रोधित होंगे और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि एक जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ही गलत कर रही है। तो आप लोग जरूर इसमें कमेंट करें कि इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए सभी छात्रों को, ताकि आप सभी लोगों का कमेंट पढ़कर और छात्र इस पर जागृत हों तथा इसमें आप लोग का सहयोग दें। और दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जो है वीडियो से रिलेटेड हो या तो दोस्तों और जो भी असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट वाला भी केस चल रहा है उस पर भी जो आएगा अपडेट, उसको मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा दोस्तों। धन्यवाद।